लॉकडाउन चल रहा है, सोशल मीडिया में कई ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जो आप तक पहुंच तो रहे होंगे, पर उसकी सच्चाई क्या है, वीडियो कहां का है और वीडियो कब का है, ये शायद आपको नहीं पता होगा। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो यूपी के कानपुर का है। तस्वीर में आप जिन्हें देख रहे हैं वो एसओ विनोद सिंह हैं। वीडियो में ये एक बुजुर्ग को क्या करने के लिए बोल रहे हैं, ये आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। चलो ये सवाल हम आपसे ही पूछते हैं कि जब सरकार की ओर से आदेश है कि सब बंद है, सिर्फ घर में ही रहें, अगर कोई माने ना और अगर एसओ विनोद सिंह की जगह आप होते तो क्या करते? आपको बता दें, ये वीडियो सोशल मीडिया पर कल से खूब वायरल हो रहा है और इस वीडियो को धर्म से जोड़कर देखा जा रहा है। चार पांच दिन पहले मैं मंदिर जा रहा था और मैं मंदिर जा रहा था, मुझे एसओ साहब मिले और साथ में पुलिस वाले भी थे, उन्होंने मेरे से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए बोला, दादा कहाँ जा रहे हो? वो सर कह के थोड़ा मंदिर तक जाना चाह रहा था यहाँ तक, तो बोला घर में आप रहिए, लॉकडाउन का समय है। वो ठीक है सर, मैं वापस चले जाता हूँ, कोई इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। और उन्होंने बोला उन्होंने, और मैं वापस मतलब गया कि जाने के लिए मैं थोड़ा बैठ भी गया था उसी टाइम में, और मैं वापस मतलब गया कि वहाँ से चले आया था। और ऐसे कभी भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे, इस प्रकार हमने एसओ साहब से कहा और उन्होंने भी हमसे हाथ जोड़ के प्रणाम किया। और कोई किसी प्रकार की ऐसी कोई धार्मिक भावनाओं में कोई हमसे क्या कि किसी प्रकार कोई ठीस नहीं पहुंची हमें, कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई हमने। मतलब क्या कि उस दिन हमारी ही गलती थी जो मैं महाकाल में जा रहा था, जो कि मतलब क्या कि मंदिर वगैरह सब बंद भी थे, लेकिन मैं चले आया था अपनी तरफ से। और आगे मैं इसको मैं खंडन करता हूँ किसी प्रकार का आगे, क्योंकि बार बार जो इस प्रकार का मेरा वीडियो वगैरह जो दिखाया जा रहा है, ये मतलब क्या कि गलत है। जबकि पुलिस अपना फर्ज निभा रही है। आपको बता दें, ये वीडियो 5 दिन पुराना है। फिलहाल उप महानिरीक्षक ने उन्हें लाइन हाजिर कर दिया है। जब पूरे मामले को समझने के लिए हमने एसओ विनोद सिंह से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। भैया अभी का नहीं है, ये 5 दिन पहले का। अच्छा अच्छा अच्छा। और इसको भैया कल से चल रहा है, जिसके दो आदमी है वो खुद ही इसको सभी को बता अपना वीडियो बना करके डाल दिया है। अच्छा। इसमें पुलिस का कोई दोष नहीं है, ये मतलब का इसको खिलाया गया, गलती खुद ही मेरी है, पुलिस ने 3 बार हमें रोका था, मेरी गलती मेरी है, पुलिस का कोई बात। अरे भैया क्या कह रहे हैं, तो हम लोग जान भी दे रहे हैं दूसरे खिलाफ भी मतलब। सबसे बड़ी बात भैया ये है, जहाँ पर यह प्लेसमेंट है उसी से ठीक 1 किलोमीटर पे रेडोन एरिया है बिल्कुल कल्याणपुर में, मैं इसको बचाना चाह रहा हूँ, लोग अपना करना चाह रहे हैं। तो भैया मैं परेशान बताऊँ, इस तरीके से अगर लोग करेंगे तो वाकई हम लोगों का मनोबल टूट जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सही बताऊँ परेशान, मैं कल से जब से चला तब से मैं निकला ही नहीं रहा, दिल से कह रहा हूँ, वही व्यक्ति हूँ जो रोज 6,000-7,000 खाना बनवाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। खाना बन रहा है, मैं नहीं गया, लोग कह रहे हैं हम बांटेंगे नहीं, नहर में भले फेंक देंगे। हमने कहा भैया जो तुम लोगों को करना हो करो, मेरा कोई मैं नहीं कर रहा। लोग इसको जानते हैं भैया, आस्था से जोड़ दीजिए भैया, ये आस्था नहीं जोड़ रहे हैं कि वर्दी वाले इतनी सेवा कर रहे हैं, यहाँ आस्था नहीं होनी चाहिए। आस्था तो मैं तब जानू की जब एक कोरोना पॉजिटिव मिल रहा है उसकी लाश उठा लें। बिल्कुल। वहाँ लोगों की मानवता कहाँ चली जा रही है, वहाँ तो वर्दी वाले ही आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट नेशन वन। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करें www.nationone.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।